हाय गाइस, मैं कामना, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्यूटी लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। बस मेरा मन कर रहा था और मैं इस तरह से आप लोगों के सामने आ गई। ब्यूटी स्टाइल, आज के टाइम पे हर कोई स्टाइलिश बन के रहना चाहता है, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और बनना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लाइफ स्टाइल। सो हाय गाइस, चलिए आज दिखाते हैं साड़ी, कि साड़ी को हम कैसे स्टाइलिश करके पहन सकते हैं, साड़ी पहनने का तरीका और कैसे हम साड़ी में एक अलग डिफरेंट स्टाइलिश दिखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कुछ साड़ीज़ का, जैसे ये है कॉटन, इसका जो बॉर्डर है ये रेड है, और ये ऐसी साड़ी है जो किसी भी ब्लाउज में पहनी जा सकती है। इसमें ब्लैक भी पहन सकते हैं, ये मैंने ग्रीन पहन रखा है, और ये साड़ी है, ये है चिकन सिफॉन, बिल्कुल हल्की, ये भी बहुत हल्की है, इसे भी जैसे पहनना चाहें, जैसे रखना चाहें उस तरह से पहन सकते हैं। और ये सिफॉन है, ये भी, इसे भी जिस तरह से पहन करके, मतलब जैसे भी पहनेंगे, इतनी हल्की है पता ही नहीं चलती पहनने के बाद। और ये है मेरी स्टाइलिश साड़ी जो पार्टी वेयर, यस, इसे भी आप जैसा भी चाहें वैसे वेयर कर सकते हैं। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ इससे, रेड फर्स्ट, इसे पहन के बताती हूँ कैसे हम इसे सिंपल तरीके से और फिर स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं। इसे पहनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये इसका पल्लू। ये बन गई इसकी प्लेट्स, ये क्या, ये मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉप कर दिया। अब मैंने इसका ये लिया, और इसे अगर ऐसा ओपन रखना चाहते हैं तो हम इसे ओपन करके जस्ट न्यू इसमें हेयर ओपन भी छोड़ सकते हैं। ये इसका पल्लू है, ये मैंने सिंपल तरीके से जो नॉर्मली लोग ड्रॉप करते हैं उस हिसाब से मैंने ये ड्रॉप किया। अब हम इसे इसके पल्लू को और भी दूसरे, नीचे तो हम साड़ी एक ही तरह से पहनते ड्रॉप करते हैं, मैंने बताया ना कि ये साड़ी ऐसी है किसी जिस तरह से पहनना चाहिए
उस तरह से पहन सकते हैं। ये इसका पल्लू गया, ये साड़ी के ये भी एक स्टाइल तो मैंने ये बनाया। ये हो गया मेरी सिंपल तरीके से पल्लू जो ऊपर गया, और ये बॉर्डर ये सामने रहेगा। ये रेड है और रेड कलर वैसे भी ऐसा कलर है जो बहुत उठ के आता है, और ग्रीन में भी रेड बहुत अलग दिखता है, जैसे कि ये मेरा दिख रहा है। सो ये है मेरा, ये सिंपल तरीके से ये इस तरह से भी ये साड़ी को क्रॉप कर सकते हैं। ये इसका जो बॉर्डर है ये गया, ये जैसे पिनअप करना चाहे तो यहाँ पे पिनअप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। ये सिंपल साड़ी, सो गाइस अब मैं बताती हूँ कि इसे और भी कैसे पहन सकते हैं। अब इस पल्लू को उठा करके सीधा ये कर देते हैं। ये हो गई जो गुजराती साड़ी पहनते हैं। अब इसमें इसे यहाँ पे पल्लू नहीं भी ले जा करके अगर पिनअप करते तो ये इस तरह से भी हम इसे यहाँ पे पिनअप कर लीजिए, ये भी एक अलग लुक देगा। ये आप किसी पार्टी में किसी फंक्शन में अगर जाते हैं तो इस तरह से साड़ी स्टाइलिश आप पहन सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास इस तरह से सिंपल साड़ी भी है जिसका बॉर्डर, इसका बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, एक्चुअली बंगाली साड़ी है, बंगाल में ऐसी साड़ियाँ बहुत पहनी जाती हैं और हर जगह मिल जाती है। अब इसे अगर हम इसको ले जा कर के ऐसा पिनअप भी करना चाहें तो हम ये पिनअप कर सकते हैं। लाइक मैंने ये पिनअप कर दिया हल्का सा, ये कर दिया। हो गई ना स्टाइल, ये गुजराती साड़ी, सो सिंपल। कॉटन साड़ी अगर हम ख़रीदते हैं और उसे अगर पहनने में, ये बहुत ईजी होती है, सुंदर भी दिखती है, और बॉडी पे बिल्कुल जहाँ पे जैसा रखने चाहिए वो वैसे ही फिट हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ संभालना नहीं पड़ता है। तो ये साड़ी ऐसी है जिसे कोई भी पहन सकता है। ओके अब तो मैं और भी दिखाती हूँ, शायद थोड़ी सी नीचे तक का नहीं आ रहा, तो मैं और भी कैमरे को ऐसे करती हूँ कि जो और भी फुल दिख सके। ये मेक हो गए स्टाइलिश साड़ी। ये मैंने आपको तीसरा तरीका बताया जो तीसरे तरीके से आप पहन सकते हैं। एक तरीका मैं और बताती हूँ कि इसी साड़ी को हम और भी कैसे पहन सकते हैं। ये गया सिंपल, यहाँ पे पिनअप करेंगे, यहाँ पे पिनअप करने के बाद एक यहाँ पे पिन लगेगी, और ये आता है इसके लिए हमें थोड़ा सा पल्लू हमारा बढ़ाना पड़ेगा। ये बॉर्डर हमारा सामने आ गया, ये नीचे दिल्लियाँ भी समझ में आ रही हैं।
और ये इसका मेन बॉर्डर है। इस बॉर्डर को हमें ये यहाँ पे ले जाके आप पिनअप कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल। सो ये हो गए। एक ही साड़ी को आप चार तरीके से डिपेंड ऑन कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आपके पास अच्छी हैवी साड़ी है तो आप उसे किस तरह से पहनोगे, क्योंकि वो आपको पहनने के बाद एक अलग लुक दे और आप बहुत स्टाइलिश दिखते। ये हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा जो स्टाइलिश लगता है वो ये है कि ये हमने सीधा इसे लिया, ये किया आपने देखा। मुझे इसे पहनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस मुझे ये बहुत स्टाइलिश लगती है। ये आप किसी भी पार्टी पे या सिंपल कहीं भी आप इस तरह से करके वेयर कर सकते हैं। ये अगर हैवी साड़ी होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है पिनअप करने में, उसे संभालने में, क्योंकि ये कॉटन है। मैं ऐसी साड़ी लाइक करती हूँ, इससे कोई भी यंग गर्ल्स जैसे कि मैंने वेयर किया तो कोई भी इसे वेयर कर सकता है। इसमें कान में भी कोई भी डाल सकते हैं, कान के भी इसमें अच्छे लग रहे जा रहे हैं। और ये मुझे सबसे स्टाइलिश लगती है साड़ी पहनने का ये तरीका। सो वेरी सिंपल एंड वेरी स्टाइलिश। यस, तरीके से आप साड़ी को वेयर कर सकते हैं। कई ब्लाउज जो है इस तरह से एक अलग अलग डिज़ाइन से बना सकते हैं, बनवाते हैं लोग। इसका ये डिज़ाइन भी बहुत डिसेंट है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। डिज़ाइन बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये इस तरह से ये मैंने बताया आपको कि ये रेड में एक अलग सा लुक देता है पार्टी में। मैं इसे कहीं भी पार्टी में भी ऐसे वेयर करके जा सकती हूँ, किसी फंक्शन में भी जा सकती हूँ, सिंपल भी कहीं मैं ऐसे ऐसे वेयर कर सकती हूँ। तो ये साड़ी पहनने का बहुत ही जिसमें दो या तीन लोग नहीं लगते, ये सेल्फ में आप खुद से भी ऐसी साड़ियों का कलेक्शन रखें अपने पास जो बहुत सॉफ्ट हो, हल्की हो, जिन्हें अकेले आप खुद से ही पहन सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग मुझे ही प्रॉब्लम होती थी जब मैं जब मैंने स्टार्ट किया साड़ी का, तो जब कभी मैं शूट पर जाती थी तो खासकर ये होता था कि यार साड़ी पहनने के लिए तो कोई चाहिए, कोई हेयर ड्रेसर चाहिए या कोई हेल्प करने के लिए हो, तो बहुत मुश्किल होती थी। कई बार शूट्स में ऐसा होता था कि नहीं है कोई, आपको खुद पहनना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने धीरे धीरे साड़ी पहनना सीखा और अभी मैं इतना हो गया है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जैसे मैं तीन शूट्स भी करती हूँ तो वहाँ पर साड़ी के लिए मैं मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही वेयर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आती है। तो वो अभी इतना मतलब हाथ बैठ गया है और अब तो इतना फास्ट लगता है कि, और ख़ासकर साड़ियाँ डिपेंड ऑन की अगर बहुत हैवी कुछ सिल्क वाली साड़ी लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत हैवी होती है, उसे संभालने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ईजी होती हैं पहनने में, और ख़ासकर जब आपका हाथ बैठ जाए। जबकि मैं हमेशा साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न पहनती हूँ ज़्यादातर, लेकिन हमेशा मैं तो साड़ी कभी ऐसा कोई पार्टी कोई फंक्शन में छोड़ करके या तो शूट पे ही साड़ी पहनते हैं, अदरवाइज तो मैं हमेशा वेस्टर्न ही वेयर करती हूँ। तो ये और सबसे बड़ी बात ये है कि साड़ी में एक अलग ग्लैमर आता है, एक अलग ग्लैमर, एक अलग लुक, बहुत डिसेंट, बहुत डिफरेंट हम दिखते हैं, अलग से दिखते हैं।
वेस्टर्न के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि साड़ी बहुत खूबसूरत लुक देता है, और तो वेस्टर्न लोग भी जो हैं वो भी साड़ी ही वेयर करते हैं मोस्टली, क्योंकि ये इंडिया का एक ऐसा परिधान है जिसे ये ट्रेडिशन कह लें कि गाँवों में या छोटे शहरों में आज भी लोग साड़ी ही वेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर, हमारा एक ट्रेडिशन ड्रेस है और जो हमेशा पहना जाता रहेगा। हाँ, उसके स्टाइलिश पहनने की चेंज हो सकती है, लेकिन साड़ी आई लव इंडियन ड्रेस। और यस, इस तरह से मैंने ये बताया कि आप इसे पहन सकते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत मदद करेगा कि जिन लोगों को साड़ी पहनना नहीं आता और थोड़ा सा अकेले हैं और सेल्फ में भी साड़ी अगर डिजाइन करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो वो इस तरह से आप इस वीडियो को देख करके आपको बहुत इजली आप साड़ी वेयर कर सकते हैं। और खासकर आप साड़ी जब खरीदें तो ये भी ध्यान दें कि साड़ी बहुत हैवी नहीं हो, फिर सॉफ्ट हो, हल्की हो, जैसे कॉटन है वो बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है, तो ये वीडियो मदद करेगा उन लोगों को। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्यूटी लाइफ स्टाइल को, इससे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और वीडियोज़ को लाइक करिए ताकि मेरा जो मोटिवेशन है और बढ़े, और मुझे लगे कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प हो रही है ये साड़ी वाला जो वीडियो है। सो मैं और भी वीडियोज अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज के जो वीडियोज हैं वो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ भी है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता भी चल सके कि मैंने जो बताया वो सही भी है या नहीं है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो प्लीज़ मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स सबको धन्यवाद, एंड इस वीडियो को समय निकाल के देखने के लिए धन्यवाद, और बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि इस तरह से लोगों की हेल्प भी हो सके जो साड़ी सीखना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई साड़ी पहनना चाहता है कभी ना कभी, भले वो डेली नहीं पहने लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी वेयर में, किसी फंक्शन में वो साड़ी ज़रूर वेयर करना चाहता है, करना चाहती है। तो ये सभी के लिए, सभी उन महिलाओं के लिए बहुत हेल्प होगी, और ख़ास करके कि हम एक स्टाइलिश थोड़ी सी अलग से दिखें, साड़ी कैसे पहने। साड़ी तो एक ऐसा है, ये ट्रेडिशन है इंडिया का, सभी को आते ही साड़ी पहनना कोई नई बात नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी साड़ी पहनने में, जब धीरे धीरे मुझे आने लगा तो ये मुझे बहुत इजी लगता है, अब मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनने। पहले मुझे कोई बोलता था ऐसा लगता था, अरे यार साड़ी कौन पहनेगा, संभालेंगे कैसे, अब लगता है नहीं अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैं साड़ी कलेक्शन भी मेरे पास ऐसे होते हैं। तो ये है बहुत सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी नहीं करना, इवन मैंने पिन भी नहीं किया, मैंने पिनअप नहीं किया है साड़ी को, मैंने यूँ ही ऐसे ही रखा है बिना पिनअप किया हुआ। सो बाय, ओके, सब्सक्राइब माय चैनल, आई लाइक वीडियोस, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा, मैं दूसरा वीडियो दिखाती हूँ और बनाती हूँ और वो भी शेयर करती हूँ दूसरी साड़ी के साथ।